ये वीकेंड पर आए नतीजों का विस्तार से विश्लेषण समझ लीजिए डीप एनालिसिस वरिंदर बंसल के साथ। वरिंदर गुड मॉर्निंग। शुरुआत हम अच्छे नतीजों के साथ ही करेंगे, लिस्ट लंबी होगी आई एम श्योर। बताइए कौन कौन से रिजल्ट्स आपको पसंद आए? गुड मॉर्निंग सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव, कैप गुड्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इन सबके नंबर्स बहुत उठ-उठ आ रहे हैं। फार्मा बहुत टाइम के बाद आसार दिख रहे हैं कि उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं फार्मा सेक्टर के, तो वो है। और तीसरा पेपर में पता नहीं क्या हुआ सर, ये कंपनीज अभी 30-30% मार्जिन कमाने लगी है, सो आई थिंक पेपर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो अगर तीन बकेट्स में उठा सकता हूँ, और ऑफकोर्स एक ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी जिसको बोलते हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स, सो यू नो क्लियरली कैप गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, फार्मा, पेपर एंड ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी अगर थीम के वाइज चला जाए तो वो है। सो डीएलएफ सर बहुत अच्छे नंबर थे, बट इसमें सबसे अच्छी बात क्या है सर, दिस इज द 9th कंसेक्यूटिव क्वार्टर जहां पे वो डेट कम कर रहा है, तो उन्होंने जो बोला है वो उस तरीके से कर रहे हैं। एनटीपीसी आई थिंक दे डिजर्व मच बेटर वैल्यूएशंस देन व्हाट दे आर इनटू। हर टाइम हर क्वार्टर सर ये परफॉर्म कर रहे हैं। स्टैंड लोन जो उसके ग्रोथ जनरेशन है वो 21% ऊपर था, विच इज कमेंडेबल। नए सीएफओ साहब भी आ गए हैं। टोरेंट फार्मा का सर मेरे ख्याल में फार्मा में आफ्टर लॉरेंस सन फार्मा टोरेंट ने बहुत अच्छा किया, आपने देखा होगा लॉरेंस और सन फार्मा के नंबर्स बहुत अच्छे थे, ग्रोथ भी आया सर। और ग्रोथ ऑफकोर्स इंडिया बिजनेस जो 20% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, और यूएसए बिजनेस 6% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, सेल्स 10% ऊपर थी क्वार्टर क्वार्टर, मार्जिन 30% पे पहुंच गए सर जो 26% क्वार्टर क्वार्टर थे। सिप्ला सेल्स इन लाइन है बट एबिटा मार्जिन आर वेरी हायर कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन, 21% एबिटा मार्जिन किया सर, 14% क्वार्टर क्वार्टर था। इंडिया बिजनेस का 4% ऊपर था, यूएसए बिजनेस का 12% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, तो आप देख सकते हो सर टोरेंट का 20% ग्रोथ हुआ बट इसका 4% ग्रोथ ही हुआ, तो ये अच्छे नंबर थे। कमिंग टू माय फेवरेट सेक्टर सर, जो मैन्युफैक्चरिंग में बार बार बोलता रहता हूँ, आपने देखा सर बेयरिंग में किस तरीके से आग लगी है, आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट थिंकिंग अबाउट दैट सेक्टर, शेफलर, एसकेएफ, दीज गाइस, एक्सपोर्ट नंबर्स जो आ रहे हैं सर, डोमेस्टिक स्टोरी अकेली नहीं है ये, तो एक्सपोर्ट में जो ग्रोथ आ रही है इट्स जस्ट अमेजिंग। तो ग्रैंडवेल के नंबर्स देखिए, इवन इन अ वेरी बैड क्वार्टर दे वर एबल टू मेंटेन मार्जिन, शो अप ग्रोथ। इनका जो सेरेमिक सेगमेंट था वो 55% ग्रोथ दिखाया, एवरेजन ने 34% ग्रोथ दिखाया, ग्रॉस मार्जिन 360 बेसिस पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट किए बट एबिटा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट ऊपर थे, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम दिस कंपनी। सुंदरम पार्सल्स ने नंबर्स बहुत अच्छे दिए बट उसके साथ साथ 1000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया सर, तो अभी भी कंपनीज ये देख रहे हैं कि आगे जाके बहुत ज्यादा किस तरीके से अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ कैपेक्स कर सकते हैं। तो सुंदरम पार्सल्स का 3000 करोड़ का कैपेक्स बहुत अच्छा था, तो जैसे मैं ओपनिंग अप इकॉनमी का बोल रहा हूँ उसमें इजी ट्रिप प्लानर के नंबर स्ट्रॉन्ग थे। दीपक कॉटलर सर व्हाट एन एग्जीक्यूशन बाय दिस कंपनी, लाइक लास्ट 3 क्वार्टर से उन्होंने जो एग्जीक्यूशन एट पार की है, ह्यूज कैपेक्स था, लोग सोच रहे थे कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, 500 करोड़ का जो एबिटा था लास्ट क्वार्टर, इस बार 750 करोड़ का सर, 25% मेंटेन है मार्जिन। जी शिपिंग वॉलेटाइल बिजनेस बट दिस क्वार्टर वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। रेल इंडस्ट्रीज की आप बात करी क्योंकि सर टॉप डाउन बीट आया है, टॉप लाइन में अगर सेल्स देखा जाए वो 25% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर सर, और 50% बिटा ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, व्हाट आर नंबर्स कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी। गोडरेज फिलिप्स आई डोंट नो 10-12 पी पे क्यों चलता है स्टॉक, बट मार्जिन 24% है सर, ग्रोथ टॉप लाइन पे भी आया है, बिटा पे भी आया है, मार्जिन बढ़े भी है। जेके पेपर जैसे मैंने बोला बेस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू, इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये 30% मार्जिन पे आ गया, तो लोग बोल रहे थे इन्फ्लेशन होगा, मतलब 25% मार्जिन लास्ट क्वार्टर था, इसके सामने 30% मार्जिन अभी कर रहा है, टॉप लाइन में 7% ग्रोथ था क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा में 25% था, तो कहीं से भी बुरा नहीं लगा। महिंद्रा हॉलीडेज अगेन रिवेंज टूरिज्म एट प्ले, फिनटेक्स केमिकल्स एक छोटा कंपनी है केमिकल स्पेस में बट दे हैव बीन कंसिस्टेंटली डूइंग वेल, इवन दिस क्वार्टर 17% से 19% मार्जिन किए। और आंध्रा पेपर की आप बात कर ही चुके थे सर कि 25% मार्जिन आंध्रा पेपर ने दिए, जेके पेपर ने 30% दिए, तो ढेर सारे रिजल्ट्स, और बड़ी अच्छी बात है कि लंबे समय बाद अच्छे नतीजों की लिस्ट ज्यादा लंबी है। और आज सुबह हम जो बात कर रहे थे दीप की, अमेरिका में 73% कंपनियां ऐसी है जिनके नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी कुछ दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो कमजोर भी है। खराब नतीजे वाले शेयर बताइए। एमसीएक्स सर, आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर देम टू वॉक द टॉक, बहुत बार बात हो चुकी है कि यार अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, मोनोपोली बिजनेस है, ब्ला ब्ला ऑल दोस थिंग्स, बट नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर। 50 करोड़ का एबिटा, 50 करोड़ का एबिटा तक सीमित है। इसमें जो इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं कि ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है ज्यादा हो रहा है फ्यूचर से, तो ऑप्शंस वॉल्यूम देखिए सर, जो 1900-2000 करोड़ होता था आज 20,000 करोड़ है, थैंक्स टू एनर्जी ऑप्शंस जो 18,000 करोड़ हो गई है, बट उसमें पैसा बनता नहीं है। ई एस द फ्यूचर्स वॉल्यूम जो ज्यादा होना चाहिए बट वो 10% गिर गया है, तो नंबर्स आर स्टक देयर। सीडीएसएल महंगा कंपनी है बट नंबर्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है, और अगर आप वैल्यूएशन ज्यादा दे रहे तो ग्रोथ होना चाहिए पर ग्रोथ नहीं है, सेल्स वहीं का वहीं अटका हुआ है, 140 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा कम हो गया है 90 करोड़ से 76 करोड़, मार्जिन कम हो गया है 66% से 54%,
गोदरेज एग्रोवेट अगेन अ वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी बट नंबर्स आर नॉट कमिंग द वे दे शुड बी. 6.5% मार्जिन आ गया फ्रॉम 8% क्वार्टर एंड क्वार्टर. पैट डाउन था 32%, एबिटा डाउन था 4%. हेरिटेज फूड का एग्जीक्यूशन कभी हुआ नहीं है सर, जो 8-8% मार्जिन करता था आज 2% मार्जिन पे आ गया है. डीएफएम फूड ने अगेन एबिटा लॉस की है और दो शुगर कंपनीज जिनके नंबर्स खराब आए हैं वो डालमिया भारत शुगर और द्वारिका शुगर, इनमें मार्जिन प्रेशर देखा है. डालमिया में लोअर टैरिफ है महाराष्ट्र में और कंज्यूमर बिजनेस का लॉस है उसको हिट किया है. द्वारी गेज का अगेन लोअर शुगर रिकवरी हुई है इसलिए उसके मार्जिन कम हो गए हैं, तो दोनों कंपनी के नंबर ज्यादा अच्छे देते हैं. है सारे के सारे रिजल्ट जिस पर रखिएगा आप नजर कमजोरी के लिहाज से, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जो नतीजे इनलाइन रिजल्ट, जरा उसके बारे में भी जान लें, बताएं वरिंदर. चोलामंडलम इनलाइन रिजल्ट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज बट अगर आप पैट आपको नीचे देखेगा तो इसलिए देखेगा बिकॉज प्रोविजन जो है वो ज्यादा हो गई है. आईडीएफसी के हमेशा नंबर्स में बहुत इंटरनल्स होते हैं. आई थिंक नेम्स नीचे थे क्वार्टर क्वार्टर और आरओए जो ऊपर है वो लोअर प्रोविजन के कारण है. स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं किया तो आज ऊपर है उस तरीके से बट नंबर्स वर नॉट दैट ग्रेट एज पर मी. गोदावरी पावर इन अ वेरी टफ एनवायरमेंट दे आर स्टिल होल्डिंग वेल सर, तो ये मार्क्स देने पड़ेंगे कि क्वार्टर क्वार्टर उनके मार्जिन अभी भी 27% में मेंटेन है. बट इफ आई हैव टू से वन थिंग सर, आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल में आग लगेगी अभी जाके, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सो कीप एन आई ऑन दैट सर. तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स इनलाइन वाले. बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर इन सारे नतीजों का विश्लेषण देने के लिए. कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात और जानेंगे डिटेल में एनालिसिस रिजल्ट एक्सरे में.